भाई, ये अपन ने जंप लगा लिया यहाँ पर। आ जाओ भाई अभी नीचे। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा, ये पता नहीं कैसे। आ जाओ देख, अब इसको तो ब्लॉग बनाना, मैं तो फजूल में मरने को आ गया। देखो आज लाइफ वाला बड़ा रिस्क ले लिया, सबसे बड़ा। यहाँ पर वो राक्षस टेमडार नाम का राक्षस रहता था, जो कि वेल गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होते होंगे। सो गाइस आज अपन जा रहे हैं टेमडाराय माता मंदिर के दर्शन करने। गाइस चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं माता के। और उसी के पास ही बना हुआ है टेमडार राक्षस की गुफा, और वो गुफा है जो यहाँ से लेकर लगभग हिंगलाज माता मंदिर बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान में बना हुआ है, वहाँ पर वो गुफा निकलती है। चलते हैं आपको दिखाते हैं, माता का दर्शन कराते हैं आपको, टेमडार राक्षस की गुफा दिखाते हैं। नोटिस कर सकते हो अभी हमने प्रसाद ले लिया है, सब चलते हैं आपको दिखाते हैं टेमडाराय माता मंदिर। तो जो आप नोटिस कर सकते हैं अभी अपन पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 किलोमीटर। मैं आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखाता हूँ माता का मंदिर वो रहा। चलते हैं दर्शन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं टेमडाराय माता मंदिर। सो कि जैसे कि अभी आप नोटिस कर सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं टेमडाराय माता के मंदिर के, वहां पर ये प्रवेश द्वार है, ये एंट्री है माता के मंदिर का। चलते हैं माता के दर्शन करते हैं एंड आपको दिखाते हैं टेमडार राक्षस की गुफा। चलो तो नोटिस कर सकते हैं ये अपन जा रहे हैं सीढ़ियों वाले रास्तों से, ये शॉर्टकट पड़ता है। एंड मैं आपको बता दूँ एक और रास्ता, जो बाइक से या फोर व्हीलर होते हैं तो वो वहाँ से घूम के जाते हैं ना, तो वहाँ से भी एक रास्ता है, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ ये सीढ़ियों वाले रास्ते से, वहाँ से भी घूम के एक रास्ता जाता है वहाँ पर। नोटिस कर सकते हो गाइस, ये आप नोटिस करना कितना प्यारा व्यू था वो वाला मंदिर के, यहाँ पर पहुँचने वाले नोटिस करना। एरिया देखो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है। अभी अपन पहुँच चुके हैं नोटिस करना यहाँ पर श्री टेमडाराय मंदिर। इस स्थान को दूसरा हिंगलाज स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत पर टेमडा नामक विशाल काय हूण जाति का असुर रहता था, जिसको मातेश्वरी ने उक्त पर्वत की गुफा में गाड़ दिया था। उसके ऊपर एक भयंकर पत्थर रख दिया था जो आज भी वहां पर मौजूद है। यहां मातेश्वरी ने काफी समय निवास किया। टेमडाराय मंदिर यह देवी आवट जी को समर्पित है। आवट जी की पूजा के लिए कन्नी जी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पेटिका और आवट जी की मूर्ति अभी भी मंदिर मौजूद है। पुजारी जी अभी पूजा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी आप यहां पर जो अदरशिला देख रहे हो, इसे अदरशिला बोलते हैं, जो टेमडार नाम का राक्षस था, उसका माता ने यहीं पर वध किया था और उसको यहीं पर वध करके और उसके ऊपर ये अदरशिला रख दी थी। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं कन्या माता भी आए हुए हैं देशनोक से, यहां पर वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं नवरात्रि के टाइम माता के यहां पर भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, तो आप ये नोटिस कर सकते हो ना गाइस। तो मैं आपको बता दूं इस मंदिर का नाम टेमडाराय क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर जो राक्षस रहता था उसका नाम था टेमडा, और माता ने अपना राय लगाकर इस मंदिर का नाम टेमडाराय मंदिर पड़ा, तो आप नोटिस कर सकते हो ना गाइस। जैसे कि अभी आपने नोटिस किया, अभी हमने माता के दर्शन भी कर रहे हैं, आपने भी दर्शन कर लिए, आरती भी हो गई। अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो टेमडार राक्षस उसकी गुफा बनी हुई, वो मैं आपको दिखाता हूँ ना। चलो तो उसका रास्ता ये मंदिर से, ये इधर से होके, इधर से होके यहाँ से जाना होगा ना, पहाड़ के अंदर बनी हुई है, और चप्पल भी हमने किसी और की पहन ली है। चलते हैं आपको दिखाते हैं वो मंदिर का, माता का मंदिर हो रहा वहाँ पीछे। तो मैं आपको बता दूँ ये जो आप यहाँ पे ये चढ़ाई देख सकते हो ना, इसकी ऊंचाई पेड़ पौधों के हिसाब से आप इसकी ऊंचाई लगा सकते कितनी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पर रास्ता इतना ही पतला है ना, वो देख रहे हो वो रास्ता जा रहा है भाई, डर तो लग रहा है, पर जाते हैं ना आपको दिखाते हैं ना, रिस्क ले, बहुत ज़्यादा खराब रास्ता है, डर लग रहा है मेरे को। चलो भाई यहाँ से यहाँ उतरना पड़ेगा वो भाई, डर लग रहा है। ये रास्ता कसम से बता नहीं सकता, हालत टाइट हो रही है भाई। ऊंचाई देखो ना यहाँ पर, रास्ता इतना पतला, रास्ता अच्छा होना तो अपन जा भी सकते, इतना पतला है ये, बस इतना ही है, ये दो पैर आते हैं बस इतने। चलते हैं ना आपको दिखाते हैं टेमडार राक्षस की गुफा। कहा जाता है ये वाली और माता वाली वो गुफा है ना, पर अदरशिला रखी हुई है। ये गुफा जो जाती है पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर बनाए, वहाँ पर एक गुफा निकलती है ना, नोटिस करना। ये तो पहाड़ी के अंदर माता का मंदिर भी बना हुआ है, बहुत ही बड़ी पहाड़ी के ऊपर,
और ये गुफा भी पहाड़ी के अंदर है भाई। यहाँ से गए ना तो गए सीधा ऊपर गए, गिरे तो है। बेली क्या कहना है इस रास्ते पर भाई? इस रास्ते का कहना इतना ही है अब इसको तो ब्लॉग बनाना है, मैं तो फजूल में मरने को आ गया। देखो वाओ क्या बात है यार, कसम से बहुत, मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखो मैं तो इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये गया तो मैं वापस फिर दौड़ जाऊंगा ना भाई। ये पहाड़ी देखो जी, देखो ओ भाई, आज लाइफ वाला बड़ा रिस्क ले लिया, सबसे बड़ा एक सबसे अच्छा काम भी हो गया, माता के दर्शन कर लिए, और सबसे बुरा काम ये हो गया, ये इस रास्ते को मैंने ले लिया। पर नीचे देख रहे ना, नीचे देखने से चक्कर आ रहा है। ये भाई बोल रहे हैं रास्ता देखो ना भाई, ये देखो वो यहाँ पर पूरी ढलान है, नीचे पैर फिसला तो गए। सही बता रहा हूँ भाई, यहाँ से गए ना तो गए, फूंक फूंक के पाँव रख रहे हैं। कदम बता कर पगडंडी बनी हुई, ये वाले लगता है ऐसे। वो रही नीचे गुफा, चलो देखते हैं। और यहाँ पर सोलर प्लेट भी लगाई हुई है। आए अब देखो भाई, ये यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा भाई। जैसे तो इतना डर लग रहा है, रास्ता इतना खराब है, कसम से मन नहीं कर रहा जाने का, पर व्लॉग बनाया तो सब व्लॉग बना दे। गाइस क्या हो गया, अपन ने जंप लगा लिया यहाँ पर। आ जाओ भाई अभी नीचे। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा, ये पता नहीं कैसे। आ जाओ देखते हैं। आजा भाई आजा, डर लग रहा है भाई। ये भी कूदने वाला है अभी यहाँ पर नीचे। ये आगे क्या जा रही लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं गुफा के यहाँ पर। ये नोटिस करना, ये रही गुफा और ये यहाँ पर एक पेड़ है। चलते ना आपको दिखाते हैं ना, नोटिस करना भाई। तू अब धूप चालू कर दे भाई, यहाँ पर भी अपन कर लेते हैं। आ जाओ अंदर। भाई ये उस राक्षस की गुफा है, कहा जाता है यहाँ पर वो रहते थे। नोटिस कर सकते हो ना यहाँ पर, ये वाली गुफा है। एक इधर की साइड ऐसा जाता है, गुफा देख सकते हो यहाँ पर है ना। और इधर भी आ जाओ भाई, एक इधर पास में आना भैया। हो गया पास में, नहीं पास में इधर आना। एक वहां पर भी गुफा चेक कर सकते हो, एक यहाँ भी रास्ता जाता है, वहां भी जाता है, एक इधर भी है। ये इतनी ही गुफा है तो आप नोटिस कर सकते हो ना, यहाँ पर वो रहा करता था। एंड यहाँ पर शायद पूजा भी होती है, पता नहीं किसकी होती है। या देखो यहाँ पर शंख भी रखा हुआ है, यहाँ पर एक दो टीने भी रखे हुए हैं, यहाँ पर पुजारी वगैरह आते थे शायद पूजा। मैं आपको बता दूं, ये जो गुफा है, जो ये वाली और माता वाली जहाँ पर आदर्शिला रखी, जहाँ पर उन्होंने माता ने राक्षस का वध किया था, ये गुफा है जो हिंगलाज पाकिस्तान मंदिर बनाया माता का, वहां पर खुलती है। तो ये आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर वो राक्षस तेमड़ार नाम का राक्षस रहता था, जो कि यहाँ पर रहता था, जो कि
टेमड़ा नाम का राक्षस यहाँ पर रहता था, जो कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो पशु थे, जानवर थे, बकरी भैंस भेड़ थी, जो उनको खाया करता था, उसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक था, इसलिए माता ने उसका वध किया। यहाँ के लोगों को उठा के ले जाकर खाता था, तो उसका बहुत ज़्यादा उस टाइम आतंक था, तो इसलिए माता ने यहाँ पर अवतार लिया और उसका वध किया। जो मैंने आपको मंदिर में वो दिखाया था, हम आप पुजारी पूजा कर रहे थे भाई, डर बहुत लग रहा है, अब जाने का मन कर रहा है, शूट करने का मन नहीं कर रहा, अब मैं जा रहा हूँ ना वापस, नोटिस करना आप यहाँ पर। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पर, तो भाई बहुत ज़्यादा सोच मत कर इस रास्ते पर आना, आपको अभी देखने में भी शायद आसान लगता होगा, रियली बता रहा हूँ आसान ही है रास्ता, लाइफ को जोखिम में रखने वाला ये वाला सीन है ना, आप मत करना, ये मत करना भाई, आ रहे हो तो सोच मत कर आना, इधर की साइड है ना, देख सकते हो भाई इतना ही ख़राब रास्ता है ये वाला। सो गाइस कैसा लगा आज का आपको ये व्लॉग, अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ना, ताकि आपके पास ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंच रही है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।